दोस्तों डीजीपीएस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल जी, इनके सामने कुछ ब्रीफिंग किया गया और इन्हें बताया गया कि इस समय भारत को ड्रोन्स की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दौरान ये कहा गया कि चाइना अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने विंगलूंग ड्रोन्स को काम में ले रहा है और लगातार उससे सर्विलांस कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम लोग भी इसराइली हेरॉन टीपी ड्रोन से सर्विलांस का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर ये कहा गया कि जल्दी ही पाकिस्तान को भी इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी चाइना द्वारा सौंप दी जाएगी और पाकिस्तान के पास भी बड़ी मात्रा में इस तरह के सर्विलांस के लिए ड्रोन्स उपलब्ध होंगे, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ निगरानी के लिए करेगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों की ही एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए चाहिए भारत को भी भरपूर मात्रा में सर्विलांस के लिए ड्रोन्स। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की सीमाओं को लेकर खासकर ये कहा गया कि लगातार वहां से ड्रोन्स के माध्यम से सप्लाई भेजी जा रही है आतंकियों को, फिर वो ड्रग्स की हो या फिर हथियारों की हो, ग्रेनेड्स की हो, विस्फोटकों की हो, इस तरह की सप्लाई लगातार आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के माध्यम से भेजी जा रही है। अभी रिसेंटली पठानकोट का मामला ले लीजिए या फिर कुछ समय पहले जम्मू के अंदर एयरफोर्स के स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था, ड्रोन अटैक वगैरह, उसको ले लीजिए। इस तरह की घटनाएं लगातार बॉर्डर्स पर हो रही है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें भी हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेवी लगातार डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल के सामने इसका दबाव बना रही है कि अमेरिका से MQ9B प्रीडिएटर ड्रोन्स को जल्द से जल्द मंजूरी दे दी जाए और उन्हें खरीदा जाए। 30 की संख्या में जो हम लोग खरीदने वाले हैं, जिसकी कीमत पड़ने वाली है $3 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम है। खैर यहाँ पर मैंने आपको सूचित कर दिया था कि अमेरिका की तरफ से ये सिग्नल्स दिए गए कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन डिस्काउंट दे देकर भी कितना देंगे, अल्टीमेटली हमें ये बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। अभी दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भारत इसराइल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकता है किसी बड़े लेवल पर, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में हेरॉन टीपी ड्रोन्स खरीद सकते हैं, जिससे कि हम लोग न केवल सर्विलांस कर पाएंगे बल्कि अटैक भी कर पाएंगे, क्योंकि ये हथियारों के साथ होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत अमेरिका के MQ9 ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहा है, जो कुछ एक की संख्या में हमने लिस्ट पर लिए हैं, और हेरॉन टीपी ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहा है। दोनों की ही परफॉर्मेंस से भारत पूरी तरह से खुश है। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसराइल के ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो जल्दी ट्रैक किए जा सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका के ड्रोन्स कुछ हद तक फायदा हमें ज़रूर देते हैं, लेकिन बात की जाए कीमत की तो वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ड्रोन्स की। तो अगर थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियरिटी आपको दे भी देते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा, तो ये कहीं ना कहीं समझदारी वाली बात नहीं लगती। दूसरी बात, अमेरिका से कोई भी हथियार खरीदो तो जमाने भर की कंडीशंस उसके साथ आती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर भारत इसराइल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किसी बड़े लेवल पर ड्रोन्स को लेकर ड्रिल करता है, तो यकीनन यहाँ पर अमेरिका के ड्रोन्स को ड्रॉप किया जा सकता है, यानी हम अमेरिका से फिर MQ9B प्रीडिएटर ड्रोन्स खरीदे ही ना। इसराइल समय समय पर इनका इस्तेमाल करके सर्विलांस भी कर चुका है और स्ट्राइक भी कर चुका है, और ये अव्वल दर्जे के साबित हुए हैं। तो यहाँ पर भारत को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसराइल के ड्रोन थोड़ी सी कम सुपेरियरिटी भी देते हैं तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये रहेगा कि ये बड़ी मात्रा में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमतें कम हैं, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम जरूर मिल सकती है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी और इस समय भारत को क्वांटिटी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो का मोरल यही है कि जल्दी ही इसराइल और भारत के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ड्रोन्स को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है, जिसके बाद अमेरिका का फुद्दू कट सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक?